दोस्तों, रिसेंटली सैमसंग ने ये कंफर्म कर दिया है कि सैमसंग की नई अपकमिंग एम सीरीज लॉन्च होने वाली है 28 जनवरी को। सैमसंग की ये एम सीरीज मेनली फोकस करेगी मिलेनियल यूजर्स के ऊपर और शायद इसीलिए इस अपकमिंग सीरीज का नाम है सैमसंग एम सीरीज। इसके अलावा सैमसंग ने कुछ ऑफिशियल टीजर्स भी शेयर किए हैं जिनसे हमें इन स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में आइडिया आ जाती है। तो इस अपकमिंग एम सीरीज में लॉन्च होंगे 3 नए स्मार्टफोन्स, सैमसंग गैलेक्सी M10, सैमसंग गैलेक्सी M20 और सैमसंग गैलेक्सी M30। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और रिलीज डेट के बारे में। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि M30 से रिलेटेड सभी फ्यूचर अपडेट्स मैं आपको दे पाऊँ। तो इसी के साथ मैं हूँ राज और आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी M30 के बारे में तो ये स्मार्टफोन बाकी दो स्मार्टफोन्स यानी कि सैमसंग गैलेक्सी M10 और सैमसंग गैलेक्सी M20 से प्राइस और स्पेक्स के मामले में हाई और अच्छा होने वाला है। ये स्मार्टफोन तीनों ही स्मार्टफोन्स में से सबसे बड़ा स्मार्टफोन होगा, यानी कि आपको यहाँ तीनों ही स्मार्टफोन्स में से सबसे बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो यहाँ हो सकता है 6.38 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, यहाँ एक एमोलेड डिस्प्ले के बजाय आपको देखने को मिलेगा रेगुलर LCD डिस्प्ले पैनल, यहाँ आपको देखने को मिलेगा इन्फिनिटी V डिस्प्ले यानी कि आपको यहां एक छोटी सी वी शेप टीयर ड्रॉप या वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। तो इससे आपको इस स्मार्टफोन में ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलेगी और तो और आपको यहां हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिलेगा। अगर आप इन ऑफिशियल टीजर्स को देखें तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ जो बेजल्स है वो बहुत ही कम है जिससे इस स्मार्टफोन की फ्रंट साइड काफ़ी खूबसूरत लगती है। अब ये तो बात हो गई स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। अगर बात करें प्रोसेसर की तो बताया जा रहा है कि यहाँ आपको सैमसंग का अपना प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो हो सकता है एक्जिनोस 7885। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, साथ ही साथ यहाँ हो सकती है 4GB की रैम और 64 या 128GB इंटरनल स्टोरेज। इसके अलावा आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से अपने इंटरनल स्टोरेज को एक्सपांड भी कर सकते हैं। अगर बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की तो यहाँ आपको पीछे देखने को मिल सकता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, यहाँ प्राइमरी सेंसर हो सकता है 13 MP का, सेकेंडरी सेंसर हो सकता है 5 MP का और थर्ड सेंसर का रेजोल्यूशन भी हो सकता है 5 MP। अगर बात करें सेल्फी शूटर की तो यहाँ नॉच में आपको सिंगल फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। इस फ्रंट कैमरा का रेजोल्यूशन हो सकता है 16 MP। इसके अलावा M30 के बारे में कंपनी ने एक चीज बिल्कुल कंफर्म कर दी है जो है इस स्मार्टफोन की बैटरी। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी और तो और आप इस बड़ी सी बैटरी को कर पाएंगे फास्ट चार्ज क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेगा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। इस स्मार्टफोन में आपको एक हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा तो मीडिया लवर्स के लिए ये काफी अच्छी बात है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो यहाँ आपको पीछे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी M30 के लॉन्च डेट की तो सैमसंग गैलेक्सी M10, सैमसंग गैलेक्सी M20 और सैमसंग गैलेक्सी M30 ये तीनों ही स्मार्टफोन्स आने वाली 28 जनवरी को लॉन्च होने वाले हैं। ये तीनों स्मार्टफोन्स मेनली इंडियन मार्केट्स के लिए बनाए गए हैं तो इसीलिए सबसे पहले ये स्मार्टफोन्स इंडिया में अवेलेबल होंगे और उसके बाद धीरे धीरे बाकी स्मार्टफोन मार्केट्स में भी अवेलेबल किए जाएंगे। हालांकि जो लॉन्च इवेंट होगा वो एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट होगा। अब अगर बात करें प्राइसिंग की तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि M30 की प्राइस M10 और M20 दोनों से ही ज़्यादा होगी तो M30 की प्राइस स्टार्ट हो सकती है 20,000 rupees से और ये तीनों ही डिवाइसेस Amazon एक्सक्लूसिव होने वाले हैं तो आप इन्हें Amazon से खरीद सकते हैं। तो क्या आप M30 के लिए एक्साइटेड हैं? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आपको पता ही है क्या करना है, सिर्फ वो रीज़न हमारे साथ शेयर करिए ताकि अगले वीडियो में हम उसका ध्यान रख पाए। दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ राज और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।